बीड़ी के धुएं से किसी को एलर्जी हो और उसके मना करने पर भी कोई बीड़ी पी रहा हो तो सावधान हो जाए, क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती है। ऐसा ही एक मामला जिले के रावती थाने के गांव रानी सिंह के सामने आया, जहां एक युवक ने दूसरे की महज इसलिए हत्या कर दी कि उसे बीड़ी के धुएं से एलर्जी थी। उसके सामने मृतक बीड़ी पी रहा था, मना करने पर भी बीड़ी पीने वाला नहीं माना तो गुस्से में उसके सिर पर लाठी और पत्थरों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। रावती थाना प्रभारी डीएल दासोरिया ने बताया कि यह घटना जिले के रावती थाना गांव रानी सिंह की है, जहां शनिवार तड़के ये घटना घटित हुई। रावती थाना पर शनिवार की सुबह सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के गांव रानी सिंह में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस पर थाना प्रभारी टीम के साथ पहुंचे। मृतक की पहचान सुरेश जोशी निवासी रानी सिंह के रूप में हुई है। हमलावर गांव का ही भगवान सिंह, पिता चैन सिंह है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मौके पर शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बताया जाता है कि मृतक और आरोपी दोनों ही मानसिक रूप से कमजोर थे। सर, क्या मामला है? रानी सिंह में डेड बॉडी मिली है। सर, रानी सिंह में आज सुबह प्रातः मेरे पास सूचना आई कि सुरेश जोशी करके ने, सुरेश जोशी और भगवान सिंह दोनों आपस में मानसिक रूप से कमजोर थे। जो दोनों आपस में झगड़े, जिसमें सुरेश जोशी के सिर में चोट है। हम तत्काल उसी टाइम उनके डायलॉग में भी मौके पर पहुँचा और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इन्फॉर्मेशन करी। जब मौके पर FSL अधिकारी भी पहुँचे, मित्तल साहब और हमारे SDP महोदय भी पहुँचे, सभी ने निरीक्षण करा घटनास्थल का। तो घटनास्थल पर जाने पर ये पाया गया कि भगवान सिंह है, जिसके वर्ष 2002 में तो एक्सीडेंट हुआ था, जिससे वो मानसिक रूप से विचलित था। तो उसके सामने अगर कोई बीड़ी पीता था तो वो गुस्सा करता था। इसी बात को लेकर इन दोनों में बीड़ी पीने के बाद को झगड़ा हुआ, जिससे उसमें सुरेश जोशी की घटनास्थल में मौत हो गई। उसका जो PM कराया जा रहा है और अभी योजना में लिया गया। आरोपी गिरफ्तार हो गया। अभी राउंड अप किया है आरोपी घटना।